कंगना जी भी भरमौर आए थे, उन्होंने हमारे भरमौर का दौरा किया, हर क्षेत्र में गए, लेकिन हमारा ही एक ऐसा क्षेत्र था वहाँ नहीं गए। विजन के साथ तो चलना ही चाहिए। इनमें से कुछ ऐसे लीडर भी हैं जो बाकी हैं जिनमें विजन भी था और जिन्होंने डेवलपमेंट भी की है, उसके बारे में तो मैं मतलब उनको मतलब अप्रिशिएट भी करता हूँ, विजनरी लीडर थे। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो कमी है वो मेंटल लेवल की है हमारे नेताओं में। देखो अब मैं मान लो किसी पार्टी का कार्य करता हूँ तो मैं ये थोड़ी सोच रखूँगा कि मैं भी कल को MLA या प्रधानमंत्री बनूँगा। कार्यकर्ता जो है कार्यकर्ता का काम है, आप काम करो, हर कार्यकर्ता को कोई टिकट थोड़ी मिलती है या हर कार्यकर्ता कोई मंत्री थोड़ी बनेगा। वो बेरोजगारी, हंगर इंडेक्स और आपका इन्फ्लेशन, हाँ जी उसी पे ही बात हो रही है, क्योंकि जो सरकार इन मुद्दों के अकॉर्डिंग जो कार्य करेगी उसी को ही वोट करेगा जो भी आज का युवा। जो बेरोजगार है वो तो मतलब पूरी तरह से आप देखो कि कोरोना के बाद तो या स्ट्रेस या डिप्रेशन में चला गया। कितनी पार्टी के इतने लोग हैं वो इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, करोड़ों में पैसा खर्च होगा, उतने करोड़ों में आपने यहाँ डेवलपमेंट की होती तो देश हमारा प्रदेश और कहाँ पहुँचे। नहीं मिली मिनिस्ट्री तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, नहीं मिलती मिनिस्ट्री। नमस्कार, द न्यूज़ रडार में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के बीच एक और विशेष रिपोर्ट लेकर आए हैं, TNR अड्डा। TNR अड्डा में हम लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले चुनावों में चाहे वो लोकसभा के हैं चाहे वो बाई इलेक्शंस हैं विधानसभा के हैं, क्या निर्णय उनमें रहेंगे और खासकर युवाओं की क्या भूमिका रहने वाली है। आज मेरे साथ, आप सभी को तस्वीरों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि युवा मेरे साथ कुछ जुड़े हैं, इन सब का परिचय लेंगे, इन सब से विषय पूछेंगे और इन सब का वोटिंग कास्ट किस कंटेक्स्ट में रहने वाला है इसके बारे में जानेंगे। एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भाई, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम दिनेश कुमार है, मुझे भरमौरी के नाम से जानते हैं। अच्छा, दिनेश जी भरमौरी के नाम से जानते हैं, मतलब भरमौर से ही स्थाई आप? जी बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बीइंग ए यूथ, आप किन विषयों पर या किन मुद्दों पर इस बार वोट कास्ट करेंगे और लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, देश की सरकार चुनने में कहीं ना कहीं 7% जो है युवा का हाथ रहता है, तो युवा जो है वो किन विषयों पर वोट करेगा इस बार? देखिए पिछले कई वर्षों से हम जैसे लाइब्रेरी में ही पढ़ते हैं तो कई वर्ष हो गए हैं कि टेस्ट नहीं निकल रहे हैं और युवा काफ़ी हताश हो चुका है इन चीज़ों को देखकर, क्योंकि अब देखिए एक व्यक्ति अगर 5 साल से लाइब्रेरी में लगातार पढ़ रहा है और आप टेस्ट नहीं निकाल रहे हो तो मतलब ये एक बहुत ही शर्मनाक करने वाली बात है। तो मैं चाहता हूं कि आज का युवा जो है वो देख समझ कर ही वोट करे, क्योंकि अगर बेरोजगारी चरम सीमा पर होगी तो हमारे देश का विकास संभव नहीं है। आपको अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं तो बीइंग ए यूथ, आप लाइब्रेरी में रहते हैं जैसा आपने बताया, तो काफ़ी युवा आपके संपर्क में होते होंगे पूरे प्रदेश भर के, तो युवाओं में क्या लग रहा है, किसका रुझान ज़्यादा है, BJP का या कांग्रेस का, ऐसा कुछ रुझान देखने को मिल रहा है अभी तक? नहीं जी, देखिए बात ऐसी है, एक तो राजनीतिक दल से दूरी उचित होती है और ज़्यादातर युवा जो यहाँ पढ़ने आते हैं वो अक्सर पढ़ाई तक ही सीमित रहते हैं और जो माहौल तैयार हो रहा है उसमें ये लगता है कि अब देखा जाए तो पिछले अगर हिमाचल की बात की जाए तो यहाँ BJP कांग्रेस जाती रही है और युवाओं पर बात अभी तक किसी सरकार ने नहीं की है और वही हाल सेंटर के हैं जो 2 करोड़ नौकरियों की बात करती है लेकिन आज तक धरातल पे कुछ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी युवा वर्ग है वो जो सरकार हमें रोज़गार प्रदान करे उसको वोट करे। एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे आजकल पॉलिटिक्स में खेर बदल की राजनीति बहुत है, मतलब जनता चुन के नुमाइंदे भेजती है विधानसभा या लोकसभा और वो पार्टी स्वैप कर जाते हैं, तो इस पर इसको यूथ कैसे देखते हैं और क्या यूथ ऐसे कैंडिडेट्स पर ऐसे नेताओं पर फिर से भरोसा जताता है या मतलब कैसे देखता है उन्हें कि वो ठीक कर रहे हैं या मतलब क्या पर्सपेक्टिव होता है यूथ का? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिमाचल की राजनीति में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और देखिए अब नेता यहाँ आएगा वहाँ जाएगा तो इसमें भी समय लगेगा, सरकार थोड़ी गड़बड़ाई जाएगी तो उसको संभालने के लिए भी टाइम लगेगा, तो इसमें भी युवाओं का जो है वो समय बर्बाद हो रहा है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी हद तक सही नहीं है। आप कि अगर आपको किसी पार्टी ने लड़ाया और आप जीते हो तो आप युवाओं या उस विधानसभा का विकास करिए ताकि आपको आगे भी मतलब लोग विकास के नाम पर वोट दें,
ना कि ये कि आप दल बदल रहे हो, तो इससे मतलब काफ़ी प्रभाव पड़ता है युवाओं पर भी। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा। आजकल एक सोशल मीडिया पे नई चीज़ ट्रेंडिंग हुई है कि यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और हंगर इंडेक्स मैटर करता है या फिर नॉन वेज ईटिंग या कोई ऐसी रिलीजियस कंटेंट मैटर करता है, तो क्या पर्सपेक्टिव है इस पर आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर इन चीज़ों को इस युवाओं के रोज़गार से जोड़ रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आज युवा बेरोज़गार है। आप बेरोज़गारी पे बात करिए, आप हमें कितना रोज़गार दे उस पे बात करिए। अगर ऐसी जो अगर धर्म के आधार पर बांटने वाली बात करते हैं या मांस खाएंगे क्या, ये सब मतलब ठीक नहीं है। आप हमारा देश इतना पिछड़ा होता जा रहा है, आप हमें रोज़गार दीजिए। एक तो कोरोना काल ने हमारी दुर्दशा की, उसके दौरान आप हमें रोज़गार पे बात नहीं कर रहे, इस तरह के धार्मिक मुद्दों पे बात कर रहे हैं, तो ये मतलब मुझे ये चीज़ काफ़ी हद तक अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आज हमारा युवा वर्ग जो है वो लगातार उनकी एज बढ़ते जा रही है। जैसे आप देख सकते हो JOIT का जो पेपर लीक है वो 4 साल से लटका हुआ है, तो मुझे लगता है कि आप रोज़गार पे बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ऐसी मानसिकता कहीं ना कहीं युवाओं को भी भ्रमित कर रही है, ऐसा भी लगता है? हो सकता है कि ऐसी मानसिकता जो है वो युवाओं को भ्रमित कर रही हो। अब कई पार्टी जो है वो धर्म के नाम पे भी वोट मांगती है, तो ये ठीक नहीं लगता मुझे कि आप धर्म को मतलब आप राजनीति में घुसाओ, क्योंकि इसके कारण जो है वो हमारे धर्म पे भी उंगलियां उठ सकती है। मेजर पॉइंट्स पॉलिटिकल पार्टीज के क्या रहने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट और या इन्फ्लेशन ही रहना चाहिए या मतलब धर्म वाली जो राजनीति वो करते हैं? नहीं, मेरे अनुमान से तो उनको एक ही लेके चलना चाहिए कि युवाओं को रोज़गार दो, ताकि आने वाले टाइम में हमारे देश का भविष्य जो अच्छा हो। अब अन्य लोगों से भी जुड़ेंगे, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अजय है। अजय जी, मूलभूत स्थायी निवासी कहाँ के हैं आप? पालमपुर से। तो मतलब कांगड़ा चंबा आपके अंतर्गत ही आएगा, तो इस बार जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उनमें क्या भूमिका रहने वाली है युवाओं की, किस प्रकार किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे? मुद्दा तो इस वक्त जो देश में सबसे बड़ा है, एक महंगाई और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, और इसको देख के ही मुझे लगता है कि युवाओं को अपना वोट जो है वो कास्ट करना चाहिए। अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि ये जो आजकल आप हिमाचल की राजनीति में देख रहे हो कि बागी बने हैं, कांग्रेस छोड़ भाजपा में आ गए हैं या इधर से उधर चले गए, तो ये कॉमन हो गया है, ऐसी राजनीति अभी तक हिमाचल प्रदेश में नहीं देखी गई, कैसे देखते हैं इस चीज़ों को और युवा जो है वो इन चीज़ों को कैसे महसूस कर रहा है, मतलब वो रिएक्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए, हिमाचल प्रदेश तो आपने देखा होगा कि बहुत ही शांत प्रदेश है, और मैंने बहुत कम देखा कि लोगों की इसके ऊपर कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि लोग शायद सोचते भी कम है। आप देखो, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग जिसको 1967 में हरियाणा में स्टार्ट हुआ था, ये आया राम गया राम आपने सुना होगा। अब जब कोई आदमी एक पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो 6 महीने में फिर आपको इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, 6 महीने फिर देखो आपको वेट करना पड़ेगा, सरकार बनेगी, दोबारा से वोट होगा, कितना खर्चा होगा। और हम जैसे युवा जो 6-7 साल से तैयारी कर रहे हैं, मतलब कई टेस्ट हमने पास भी किए, लास्ट तक भी पहुँचे, तो हम लोगों को इतना इंतज़ार और करना पड़ेगा। अभी देखिए, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने कुछ जैसे TGT की पोस्ट निकालने के लिए वो पास हुई, लेकिन वो एडवर्टीज नहीं हो पाई। अब आपका कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है तो 4 जून को ख़त्म होगा, तो और इंतज़ार करना पड़ेगा, तो अगले साल तक बात चली गई। तो जो बेरोज़गार है वो तो मतलब पूरी तरह से आप देखो कि कोरोना के बाद तो या स्ट्रेस या डिप्रेशन में चला गया है, तो ऐसी चीज़ें तो होनी ही नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल ही, जैसे DK भाई ने कहा, बिल्कुल ही गलत चीज़ है, क्योंकि अगर मेरे को किसी पार्टी से ने चुना है और लोगों ने वोट दिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि देखो जो भी पार्टी है उसके सभी जो MLA हैं वो मिनिस्टर बने ही बने। अब आपको MLA निधि भी बनती है, मिलती है, उससे भी आप जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं। नहीं मिली मिनिस्ट्री तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, नहीं मिलती है मिनिस्ट्री। आपने अजय जी एक बहुत अच्छी बात कही कि मतलब ये जो उपचुनाव हैं, मैं इसमें ही एक सवाल जोड़ना चाहूँगा, जो उपचुनाव इस वक्त प्रदेश पर थोपे गए हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक संकट के बीच ये भी आर्थिकी का एक जरिया है जिसमें और पैसे खर्च होने हैं। अभी जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो रहा है, जिस प्रदेश में पेपर लीक हो चुके हैं और वो हल नहीं हो रहे हैं 4-4 सालों से, उस प्रदेश के लिए बाई इलेक्शन थोपना कितना सही कितना गलत मानते हैं, और किसको गलत मानते हैं इसमें, उन लोगों को जो कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए या कांग्रेस की गलती मानते हैं?
देखिए, सबसे बड़ी जो आपने आर्थिकी की भी बात की, बहुत मतलब हिमाचल प्रदेश में आपने देखा ही हो कितने हजार करोड़ में हम कर्जे में डूबे हुए हैं। ऊपर से आप देखो इतनी सारी मशीनरी का यूज़ होता है इलेक्शन में, साथ में एक आपने देखा होगा कि इतनी पार्टी के इतने लोग हैं वो इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, करोड़ों में पैसा खर्च होगा, उतने करोड़ों में आपने यहाँ डेवलपमेंट की होती तो देश हमारा प्रदेश और कहाँ पहुँचता। आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश की जितनी भी हमारी आय है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आता है, वहीं से ही चलती है। अपनी हमारे पास इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए हमने, मुझे नहीं लगता कि जब से हम आज़ाद हुए कोई बड़ा बहुत बड़ा हमने कदम उठाया है, क्योंकि आप देखो हम तब से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आज ही वहाँ पर ही हैं। तो हमारे नेताओं को तो ये होना चाहिए ना कि कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ हम डेवलपमेंट करके जो है अपनी GDP को बढ़ाए। अब बोलते रहते टूरिज्म सेक्टर है तो उसको डिवेल्प करो ना। अब देखो हिमाचल तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा टूरिज्म हब बन सकता है, पर देखो अब कोई आस्था के नाम के ऊपर बोल देते हैं कि यहाँ ये चीज़ नहीं बननी चाहिए। अब कब का देखो, मैंने HS के 4 महीने दिए हैं, इंटरव्यू भी दिया है, तो मैं तब से इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ते रहता हूँ कि ये मानी चमुंडा का जो है हमने पास कर दिया जी, रोपवे त्रिवेंट को रोपवे बना दिए हमने, आज भी वही है, कहाँ कहाँ हुए जी, यहाँ फलानी जगह पास हो गए लेकिन आज तक नहीं बने। कुछ लोगों का मानना ये है कि ऊपर इतने लोग जाएंगे तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा, उसकी वजह से ग्लेशियर गल जाएंगे। यार स्विट्जरलैंड इतना बड़ा देश है, हर जगह वहाँ पर रोपवे बने हुए हैं, उसकी व्यवस्था कीजिए ना कि इतने लोग जाएंगे इतने ही जाएंगे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी कहीं ना कहीं है, बिल्कुल है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो कमी है वो मेंटल लेवल की है हमारे नेताओं में। देखो अब मैं मान लो किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ तो मैं ये थोड़ी सोच रखूँगा कि मैं भी कल को MLA या प्रधानमंत्री बनूँगा। कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ता का काम है आप काम करो, हर कार्यकर्ता को कोई टिकट थोड़ी मिलती है या हर कार्यकर्ता कोई मंत्री थोड़ी बनेगा। अब जैसे कुछ लोग ऐसे इसमें तो अब जो पार्टी छोड़ के गए क्या उनकी मानसिकता रही होगी उसके बारे में तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा, और अगर इसमें दूसरी विपक्ष का भी हाथ होगा कि आप छोड़ के आओ तो सच में ये जो है आप खुद देखेंगे कोरोना के बाद जो है हमारा बेरोज़गारों की तो आप समझ लो कि आधे से ज़्यादा लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं। और इतने सारे आप देखो पेपर लीक में सबसे बड़ा कौन आए, हमारे अधिकारी आए। अब अपने अधिकारियों को भी मैं बोलना मतलब कुछ इसके बारे में बोलना चाहूँगा कि मतलब वो भी तो कुछ अपना एक रुतबा रखो यार, आप इतने बड़े अधिकारी आप ऐसा कर रहे हैं। अब देखो आपका भरमौर का ADM सस्पेंड हुआ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी सोच और हमारी जो है ना उसमें भी कहीं ना कहीं हमें बदलाव लाना होगा। और अधिकारियों को भी नेताओं को ये समझा के कि भाई ये चीज़ है, यहाँ से जो है हम देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए आय बढ़ा सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सरकारी ही नौकरी निकालो। आप देखो स्टार्टअप स्टैंडअप पता नहीं कितना कुछ चल पड़ा है, पर उसमें जो क्राइटेरिया है पैसा मिलने का उसको भी आप सिंगल विंडो सिस्टम करके इजी तरीके से करो ना। अब विदाउट इंटरेस्ट लोन जो हम नहीं बोलते कि हमें विदाउट इंटरेस्ट लो, कुछ टाइम के लिए आप विदाउट इंटरेस्ट ले लो, उसके बाद इंटरेस्ट जब कमाई शुरू हो जाएगी तो आप शुरू कर दो, लेकिन उस चीज़ को धरातल में आपको एक आसानी से उतारना भी ज़रूरी है। मैं एक आखिरी सवाल अजय जी आपसे पूछूंगा, जितनी भी उथल पुथल चल रही है राजनीति की, आपको क्या लगता है कि मतलब जितने भी ये रेबल्स थे, जितने भी बागी थे, क्या लोग इनको फिर से साथ देंगे इनका, या क्या लगता है मतलब इनको नकार देंगे? देखिए मेरा तो मानना यही है, जो मतलब एक मोरल चीज़ है कि लोगों को बिल्कुल जो भी बागी हैं सोच समझ के वोट देना चाहिए। अब इसमें एक सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि 6 के 6 हैं, इन 6 में से मान लो कि कल को 6 के 6 जीत जाते हैं, दोबारा फिर इलेक्शन होंगे, फिर पूरे इलेक्शन होंगे, आपको पता होगा क्यों 34-34 हो जाएंगे। ऐसा भी है कि एक इसमें प्रोविज़न होता है कि स्पीकर जो है वो वोट कास्ट इन फर्स्ट इंस्टांस नहीं करता है, तो BJP ने बना भी ली तो वहाँ फिर दूसरे ये कर देंगे तो फिर पूरे वोट होंगे। अब इन 6 के 6 बंदों को आप ये बताओ कि क्या मिनिस्ट्री दे देगी BJP, अगर BJP जीत जाते हैं तो वो ही दो को ही मिलेगी। इससे तो अच्छा है कि आप वहीं रहते कुछ ना कुछ करके एक या दो को मना लेते, तो आज इतना बड़ा 6 कंस्टिट्यूएंसीज में आपको दोबारा से इलेक्शन थोपने नहीं पड़ते और इतना पैसा खर्च नहीं होता। अब कई बार हम सोचते हैं यार 2 करोड़ तो खत्म हुआ, 2 करोड़ में आप जो है कम से कम 200 बंदों को एम्प्लॉयमेंट सरकारी में रख सकते हैं, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट देन रेगुलर, तो मतलब ये तो सच में ही ये एक अच्छी चीज़ नहीं है जो आज हमारा प्रदेश देख रहा है। तो राजनेताओं को ये चीज़ समझ नहीं होगी और ऐसा कहीं लगता है कि कोई लोग इस वजह से जा रहा है उसको मनाओ। मैं तो बोलता हूँ दे दो एक आधा मिनिस्ट्री जो ज़्यादा ये कर रहा है तो लग जाएगा पता कितना ही काम करता है।
खासकर मुझे भी ऐसा लगता है कि विजनरी जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनको ऐसे पद मिलने चाहिए जो जहाँ पे जरूरत है, मतलब अननेसेसरी भी नहीं बांटना चाहिए, लेकिन हाँ जहाँ नेसेसरी है वहाँ जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल, विजन के साथ तो चलना चाहिए, विजन के साथ तो चलना ही चाहिए। इनमें से कुछ ऐसे लीडर भी हैं जो बाकी हैं जिनमें विजन भी था और जिन्होंने डेवलपमेंट भी की है, उसके बारे में तो मैं मतलब उनको मतलब अप्रिशिएट भी करता हूँ, विजनरी लीडर थे इसमें। अगर ऐसा लगता था कि ये मतलब इनमें कुछ है, ये बागी हो रहे हैं, तो देखो राजा जो होता है उसको कई बार उसकी जो राजा की जो उसका साथ में इसको सलाहकार या जो होते हैं उनको कई बार ना राजा को कुछ चीज़ें जो होती हैं वो उसके ऊपर पर्दा रखना पड़ता है। मैं राजा हूँ, चलो एक आध मेरा है, इससे मेरी नहीं मतलब अच्छी नहीं है, तो मैं उस बंदे को संभाल लूँ, क्योंकि देखो कई बार बात करने से या बात बनने से बात बन जाती है। तो ऐसा करते तो शायद मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज़ नहीं पहुँचती। और हम लोग जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पेपर जो है एक्सटेंड होते जा रहे हैं, अब इसकी वजह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से एडवर्टीजमेंट भी नहीं निकलती है, कई बेचारे अभी जो लगे हैं अब इलेक्शन कमीशन से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर ज्वाइन नहीं होगी, तो ये चीज़ें जो है ये नहीं होनी चाहिए। एक सवाल डीके भाई आपसे पूछना मैं भूल गया कि आपने बताया भरमौर संबंध रखते हैं, भरमौर की जो लोकसभा की कुछ पंचायतें हैं वो मंडी में आती हैं, वहाँ आपकी प्रत्याशी भाजपा से कंगना रनौत हैं और अभी उससे विक्रमादित्य सिंह है कांग्रेस से, तो जो युवा है वो किस तरफ रुझान दिखा रहा है, क्या लगता है? देखिए अच्छी बात है आप भरमौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन मैं तो उस पंचायत से संबंध रखता हूँ जिस पंचायत में आज से लगभग 20 साल से एक पुल लटका पड़ा है अधर में, लेकिन आज तक उस पर बात नहीं होती है। और कल कंगना जी भी भरमौर आए थे, उन्होंने हमारे भरमौर का दौरा किया, हर क्षेत्र में गए, लेकिन हमारा ही एक ऐसा क्षेत्र था वहाँ नहीं गए वो। तो मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ उनसे कि ऐसी कौन सी वजहें थी जहाँ जो आप उस क्षेत्र में नहीं गए, आपको लगता है कि हमारे क्षेत्र के लोग जो है वो वोट नहीं देते? ठीक है, अन्य लोगों से भी जुड़ेंगे। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोविंद सिंह है। गोविंद भाई कहाँ के मूलभूत निवासी हो आप? धर्मशाला के ही। धर्मशाला के, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, धर्मशाला के पूर्व विधायक थे सुधीर शर्मा, बागी बन गए, भाजपा में चले गए, प्रत्याशी भी अनाउंस हो गए, फिर से जिताओगे नहीं जिताओगे? सर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, वैसे तो सुधीर शर्मा जी एक विजनरी लीडर हैं, किन कारणवश वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए वो उनका निजी एक बात हो सकती है, बट अभी कांग्रेस ने अपने यहाँ से विधायक किसको खड़ा करना है, उनके प्रत्याशी कौन है उनके अगेंस्ट, तो अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है, तो अभी वो फाइनल होगा उसके बाद ही लोग एक विचारधारा बनाते हैं कि जो हमारे कामों को कर सकें। बट मैं उनके बारे में तो ये ज़रूर कहूँगा कि वो एक विजनरी लीडर हैं, अभी उनके अगेंस्ट कौन आता है उसके हिसाब से फिर यहाँ के जो स्थायी निवासी वो डिसाइड कर पाएंगे कि हमें किस तरफ जाना है। अच्छा एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, काफ़ी आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, मुख्यमंत्री सुधीर जी पे लगा रहे हैं सरगना होने का और सुधीर जी मुख्यमंत्री पे लगा रहे हैं घोटाले होने का और अन्य चीज़ों का, तो एक ये भी इसमें सवाल आता है कि अगर ऐसा हो रहा था तो जब आप पहले थे 15 महीने सरकार में तब आपने क्यों नहीं उठाया, तो मतलब क्या लगता है इसमें कौन सही कौन गलत, कुछ दिखता है इसमें युवाओं का क्या, मतलब युवा कैसे देखता है इस चीज़ को? सर अब वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उससे तो युवा और जो जनता है उसको तो इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनका काम होता है वोट कास्ट करना, उनको जिताना, विधानसभा में लेके जाना और अपने जो मुद्दे हैं जो यहाँ के स्थायी निवासी वो अपने मुद्दे रख सकें और वो विधानसभा में ले जाके उसको जनता वहाँ पे उठा सकें और उसके लिए कार्य करवाया जा सके। जैसे अब यहाँ पे अगर हम धर्मशाला की बात करें, जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है काफ़ी लंबे समय से चला जा रहा है, बट उसका जो कार्य करने का जो एक प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, जिसकी वजह से वो बहुत लंबा खींचा। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पे आपको बहुत तेज़ी लाने की ज़रूरत है, बट वो बहुत धीरे धीरे कार्य हो रहे हैं। अच्छा एक और चीज़, आप युवा हैं, जितने भी धर्मशाला के युवा हैं उनका क्या लगता है आपको कि क्या वो किसी एक ऐसे कैंडिडेट को वोट इस बार फिर से कास्ट करेंगे जिसको उन्होंने जिता के भेजा लेकिन उसने पार्टी चेंज कर दी, या किसी नए चेहरे को वोट देंगे जो कि किसी इंडिविजुअल पार्टी से कनेक्ट रखता है जो कि प्रदेश में है इस टाइम? सर यहाँ पे हर व्यक्ति की अपनी एक विचारधारा होती है जो वोट कास्ट करने जाता है। अगर अपनी ही बात करूँ तो मेरे लिए तो जो मेरा एक मुद्दा है वो है बेरोज़गारी, क्योंकि यहाँ पे सरकार जो है जो भी वैकेंसीज लाती है उसका एक टाइम पीरियड नहीं होता है,
हमारे स्टेट गवर्नमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट जो भी वैकेंसी निकालती है ये अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से ऐसा है कि एक फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि 3 महीने में आपका एग्ज़ाम फिल होगा और 3 महीने में आपका मतलब विद इन 6 मंथ में आपका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होगा। कई एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनको एग्ज़ाम कंडक्ट हुए 3-3, 4-4 साल हो जाते हैं, रिजल्ट ही नहीं आते हैं, जिससे युवा बहुत हताश है, डिप्रेशन में है, उम्रें बढ़ी जा रही हैं विद्यार्थियों की और उनको प्रॉपर रोज़गार नहीं मिल रहा है। अगर आप केंद्र की बात करें, अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक एग्ज़ाम अभी पीछे ही रिजल्ट आया यूपीएससी का, उसका एक साल में पूरा का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। सबसे डिफ़िकल्ट जो इंडिया की जो एग्ज़ाम माना जाता है वो वही माना जाता है, और उसका भी एक पूरा का पूरा क्राइटेरिया है कि इतने समय में वैकेंसी आएगी, इतने समय में फॉर्म फिल होगा, इतने में प्री होगा, इतने में मेंस होता है और उसके बाद इंटरव्यू के बाद ज्वाइनिंग हो जाती है। बट हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी एग्ज़ाम होता है उसका कोई टाइम बाउंडेशन ही नहीं है, उसकी वजह से जो विद्यार्थी है वो सफ़र करता रहता है। अगर उसके कई विद्यार्थी तो ऐसे भी हैं जिनके 3-3, 4-4 एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं, बट उनको अभी तक उनको ना तो उसका प्रॉपर रिजल्ट मिला है, ना उनको ज्वाइनिंगें मिली हैं, जिसकी वजह से वो सफ़र ही कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहूँगा, आजकल एक सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित चीज़ चली हुई है, ये जो इसमें प्रोपोगंडा खेला जाता है कि नॉनवेज मैटर करता है, रिलीजन मैटर करता है यूथ के लिए, या फिर एम्प्लॉयमेंट मैटर करता है, इन्फ्लेशन मैटर करता है, हंगर इंडेक्स मैटर करता है, तो युवा देखते हैं इन चीज़ों को या नहीं देखते हैं, और अगर देखते हैं तो वो कैसी अपनी आइडियोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए? सर, ये चीज़ें जो थी वो पहले ही ज़्यादा अच्छी लगती थी कि आप सिर्फ धार्मिक या उस चीज़ पे करें। हर किसी का एक अपना धार्मिक विचारधारा है, वो उसको फॉलो करता है, वो उसका अपना एक निजी एक राइट है, वो उसके हिसाब से वो करता है। बट आज का युवा लिटरेसी रेट में आज इंडिया को देखोगे तो 80+ हो चुका है, आज हिमाचल की बात करोगे 90+ हो चुका है। बट अगर मेन जो मुद्दे हैं इस टाइम पर वो बेरोज़गारी, हंगर इंडेक्स और आपका इन्फ्लेशन, हाँ जी उसी पे ही बात हो रही है, क्योंकि जो सरकार इन मुद्दों के अकॉर्डिंग जो कार्य करेगी उसी को ही वोट करेगा। जो भी आज का युवा है, सब भी पढ़े लिखे हैं, वो अपने हर एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और इसी को देखते हुए वो आगे वोट करने के लिए जाएगा। चलिए, आप तीनों ने अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हम धर्मशाला के डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, जो कि कचहरी स्थित है, उसके नज़दीक मौजूद हैं, और ये युवा साथी थे हमारे साथ जो इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का TNR अड्डा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।